उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद तहसील शिकोहाबाद में संक्रमित बीमारी कोरोना वायरस लॉकडाउन के विषम परिस्थितियों में भी तहसीलदार सत्यप्रकाश के कार्यकाल में कॉम्बिनेशन नाम से एक किचन खोला गया है, जिसमें कुछ मजदूरों ने जी तोड़ मेहनत करते हुए खाना बनाया था, जिसमें इन मजदूरों का कुछ वेतन तो मिल गया। उसके बाद तहसीलदार सत्यप्रकाश का ट्रांसफर हो गया और आज भी भोजन बनाने वाले लोग तहसील में उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों के लगा रहे हैं चक्कर। नहीं सुन रहा कोई फरियाद, 3 महीनों से परेशान है शासन प्रशासन ने बंद कर रखे हैं अपने कान। आज इन भोजन बनाने वाले फरियादियों ने SDM शिकोहाबाद को जिलाधिकारी के नाम से एक प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें अपनी समस्याओं को स्पष्ट किया और अपने वेतन को मिल जाने की गुहार लगाई, जिसमें खाना बनाने वाले लोगों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: अखिलेश कुमार, घनश्याम, बबलू कुमार, तेजमुखी, मुन्नी देवी, पूनम देवी, सिया देवी। ये सभी भोजन बनाने वाली महिलाएं पुरुष शामिल हैं, जिन्होंने तहसील शिकोहाबाद में कॉम्बिनेशन मेस में कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी के चलते समय पर भोजन बनाया था। आज इन लोगों को समय पर वेतन न मिलने से वे खुद ही बहुत परेशान हैं। भोजन के लिए बराबर लगा रहे हैं तहसील के चक्कर। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट।